Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students, assalamu alaikum. Hope you all are will be good and fine. We have started these online lectures for you all so that we can cover the course content on time and conduct your second semester midterm exam on time. So prepare these lectures, listen to these lectures carefully and prepare them accordingly, your assignments, your quiz, and your second year result will be on the basis of these lectures, quiz and assignments. So today we will be starting with pharmacology, lecture unit 1. So first of all, we will be going to the definition of pharmacology. What is pharmacology? Pharmacology is the branch of science which deals with the study of interaction of drugs with the living organisms. So basically, pharmacology is the science which deals with interaction of drugs with the living organisms. Whenever we administer a drug into a living organism, it will bring lots of changes inside the body of living organisms. It will bring in the changes in the biochemical basis of life. Just like NSAIDs ke example hum agar le le, non-steroidal anti-inflammatory drugs. So jab hum non-steroidal anti-inflammatory drugs lete hain, to they act as a painkillers. Wo pain ko relieve karte, jis tarah brofen hai, ibuprofen hai, पैरासीटामोल है, जितने भी पेन किलर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉडी में जाके बायोकेमिकल लेवल पे जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम्स होते हैं इनको इनहिबिट करते हैं। तो मतलब वो हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक बायोकेमिकल बेसिस पे एक इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इसी स्टडी को कि एक ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उधर जाके वो क्या इंटरेक्शन कर रहा है विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी. सो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स. अगर हम एक ड्रग को स्टडी करते तो उसकी हिस्ट्री के कहाँ से जो है ड्रग इवॉल्व हुआ है, एट सोर्स, किस सोर्स से ड्रग हमने प्रिपेयर किया है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इसमें हम पढ़ते हैं कि इस ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके वांटेड इफेक्ट्स क्या है, इसके अनवांटेड इफेक्ट्स क्या है, इसकी कंपोजिशन ऑफ अ ड्रग वो भी हम पढ़ते हैं इन फार्माकोलॉजी. इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, वेदर दे आर इफेक्ट्स, दो किस्म के होते हैं. जो एक होते हैं जिसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, जिसके पर्पज़ के लिए हम ड्रग्स लेते हैं कि वो ये एक थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एनसेड्स लेता हूँ तो उसका मेरा पर्पस ये होता है कि पेन रिलीफ हो जाए, मेरा टेम्परेचर कम हो जाए, तो या एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसका आ जाए. इस तरह जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर के लिए, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ड्रग लेके उसका जो डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा होता है कि ये बीपी को कम करें. तो ये इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एक डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है जिसको थेराप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं. एक होता है अनवांटेड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट, मतलब एक ड्रग में एक पर्पस के लिए ले रहा हूँ लेकिन साथ साथ उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है. जिस तरह एनसेड की एग्जांपल हम ले लें, तो एक मेरा डिजायर्ड इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट, डेट इज़ फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पस, डेट इज़ फॉर एंटी पायरेटिक पर्पस, डेट इज़ फॉर पेन किलर, लेकिन साइड इफेक्ट में उसका किडनी पर भी साइड इफेक्ट होते हैं, उससे गैस्ट्राइट जो हो जाता है. तो इफेक्ट्स और two types, one is therapeutic effect and the other is side effect. इसके अलावा absorption के drug को हमने administer किया, whether enteral route से और parenteral route से हमने absorb किया, तो उसकी absorption किस तरह होगी, उसकी body में digestion किस तरह होगी, biotransformation क्या होती है, कि एक drug हमने लिया वो active form में कब convert होता है, एक drug की uses, drug-drug interaction. बस ऐसे ड्रग्स भी है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की एक्सक्रीशन को कम करते हैं, एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, डाइजेशन को. तो इन सारी चीज़ों को
ड्रग की इवोल्यूशन से लेके, ड्रग की हिस्ट्री से लेके, सोर्स तक, डिफरेंट यूजेस, साइड इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इन फार्माकोलॉजी। तो होप फार्माकोलॉजी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो द नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रग? अब ड्रग क्या चीज़ है? तो इट इज़ डिफाइंड एज एनी केमिकल एजेंट डेट काजेज चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ड्रग। और सिंपली वी कैन डिफाइन एज अ केमिकल एजेंट विच ब्रिंग चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ड्रग। तो ड्रग जो है इट्स सिंपली उसी केमिकल एजेंट को, उस केमिकल का नाम है जो हमने एडमिनिस्टर किया, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एडमिनिस्टर किया, और वो उसकी बायोलॉजिकल फंक्शन में कोई चेंज लेके आएगा, उसको हम कहते हैं ड्रग। फॉर एग्जांपल सिंपली एनसेट्स की एग्जांपल, नॉन स्टेरॉयडल एंट्री इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो एनसेट्स क्या करते हैं? एक एजेंट है, एक केमिकल है, जब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो ये बॉडी में जाके कॉक्स वन और कॉक्स टू एंजाइम जो होते हैं उनको इनहिबिट करते, उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते, उन एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, और एज ए रिजल्ट प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बॉडी में ये स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए, अब ये एक सिंपल जो है आइबोब्रोफेन हमने लिया, एज ए रिजल्ट वो बॉडी में गया, बॉडी में जाके बायोलॉजिकल फंक्शन डेट इस कॉक्स वन और कॉक्स टू एंजाइम्स को इनहिबिट किया और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को उसने स्टॉप कर दिया। तो देखिए, ये ड्रग जो है एनी केमिकल एजेंट, हर वो केमिकल एजेंट जो हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं और वो बायोलॉजिकल फंक्शन में चेंज लेके आता है, उसको हम कहते हैं ड्रग्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स। वन इज़ फाउंड नेचुरली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सम ड्रग्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। सो द ड्रग्स विच आर फाउंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें आते हैं हारमोन्स। अब हारमोन जो है दे आर ऑल्सो केमिकल्स, सम हारमोन्स आर मेड अप प्रोटीन, सम आर मेड अप ऑफ स्टीरॉइड्स। तो वो क्या होते हैं हारमोन्स? यू हैव स्टडीड अबाउट हारमोन्स एंडोक्राइन सिस्टम इन द फर्स्ट सेमेस्टर, कि हर एक हारमोन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो जाके बायोलॉजिकल फंक्शन को चेंज करते। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में एक इंसुलिन की एग्जांपल हम दे दें, इंसुलिन इज एन इज अ हार्मोन। इंसुलिन का काम जो है वो है कि ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है? तो यू पीपल हैव स्टडीड इन अ वेरी डिटेल इन फर्स्ट सेमेस्टर दैट इंसुलिन इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन टू द सेल्स। वो ब्लड में जो भी ग्लूकोज होता है उसकी एंट्री सेल में इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उधर वो करता है, जो ग्लाइकोजन जाके डिपॉजिट हो जाता है इन मसल्स एंड लिवर। इसके अलावा एनाबॉलिज्म प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस है इंसुलिन के। तो इंसुलिन इज़ अ नेचुरल ड्रग, इज अ नेचुरल केमिकल विच इज़ फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट इट ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शंस। अब देखें, जैसा कि बाज़ लोगों में डायबिटीज़ मिलाइटिस हो जाते हैं, तो इन डायबिटीज़ मिलाइटिस, स्पेशली इन टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस जिसमें इंसुलिन की कमी होती है फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। तो उनके लिए फिर हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। वेल, ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन इंसुलिन इज प्रेजेंट इन अ सफिशेंट अमाउंट, सो इट एक्ट्स एज ए ड्रग इनसाइड आवर बॉडी। व्हाइल सम अदर ड्रग्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। अब बस ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम आउटसाइड से बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, उसके बहुत सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स है, मैक्रोलाइड्स है, पेनिसिलिन्स है,
वो हम एडमिनिस्टर करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, तो या एंटीवायरल्स है, या ऑनकोलॉजिकल ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव्स है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, बहुत सारे फार्माकोलॉजी में ड्रग्स हैं हर एक सिस्टम से रिलेटेड। तो ऐसे ड्रग्स जो हम बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं, विच आर इंट्रोड्यूस और टेकन इन टू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड आर नोन एज जीनोबायोटिक्स। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म इन योर माइंड, डेट जीनोबायोटिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, उसको हम कहते हैं जीनोबायोटिक्स। नेक्स्ट इज रिसेप्टर। व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर इज और दोज केमिकल्स विद विच द ड्रग्स बाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटिंग डिफरेंट फंक्शंस आर नोन एज रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स एज यू नो, सेल में जो भी चीज़ की एंट्री होती है, जिस चीज़ ने एंटर होना है इनटू द सेल, तो इट विल एंटर थ्रू रिसेप्टर। एवरी सेल हैज़ अ रिसेप्टर। तो ये जो ड्रग होता है ये जाके उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एंड टू दैट रिसेप्टर इट विल बी एब्जॉर्ब एंड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और रिसेप्टर के बाहर ही ये अटैच होके अंदर मैसेंजर्स के थ्रू मैसेज भेजेगा, और जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसको रेगुलेट करता है। तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर। सो देर आर टू टर्मिनोलॉजीज यूज इन फार्माकोलॉजी, वन इज एगोनिस्ट एंड अदर इज एंटागोनिस्ट। सो एगोनिस्ट इज अ ड्रग विच बाइंड विद द रिसेप्टर एंड काजेस इट्स स्टेमुलेशन प्रोड्यूसिंग इट्स इफेक्ट्स आर कॉल्ड एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो ड्रग्स होते हैं जो किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे और उसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, मतलब जो उसी रिसेप्टर के जो फंक्शंस होंगे वो उसी से स्टिमुलेट हो जाएंगे, और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन वो करते। फॉर एग्जांपल, सिंपली हम एग्जांपल ले लेते हैं, बीटा वन एक रिसेप्टर होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह। तो अब बीटा वन जो है ये हार्ट पे होता है, और बीटा वन का काम ये है कि ये हार्ट के पंपिंग को इंक्रीज करे, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और एज ए रिजल्ट कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है। अब ये इसका इफेक्ट है, तो उस रिसेप्टर की ये क्वालिटी है, उस रिसेप्टर की ये प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से हार्ट का जो पंपिंग एक्टिविटी है, हार्ट रेट है, कार्डिक आउटपुट है, वो ज़्यादा होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो इस बीटा वन रिसेप्टर पे आके बाइंड करेंगे और इसको स्टिमुलेट करेंगे और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं एगोनिस्ट। अदर टर्मिनोलॉजी दैट इज अपोजिट ऑफ एन एगोनिस्ट दैट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट इज सिंपली दोज ड्रग्स विच विल बाइंड विद द रिसेप्टर एज लाइक एगोनिस्ट, जैसा कि एगोनिस्ट बाइंड विद द रिसेप्टर, इसी तरह एंटागोनिस्ट विल कम एंड इट विल बाइंड विद द रिसेप्टर, बट द डिफरेंस इज एगोनिस्ट काजेस स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर बट एंटागोनिस्ट डोंट काजेस द स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एगोनिस्ट जो है वो आके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे एज ए रिजल्ट। एंटागोनिस्ट में भी ड्रग आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा लेकिन इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, बट विल प्रिवेंट एगोनिस्ट फ्रॉम बाइंडिंग विद द रिसेप्टर। बट कि सिंपली इसका काम ये होगा कि ये आके उस रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा, उस रिसेप्टर पे अटैच होके एगोनिस्ट की जो बाइंडिंग है उधर से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। अब जैसा कि बीटा वन के लिए हम एंटागोनिस्ट ले आए, तो वो आके इसी रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा, फिर बॉडी में चाहे जितने भी एगोनिस्ट हो दे कांट कम एंड विल बाइंड विद द रिसेप्टर। ठीक है, तो एगोनिस्ट जो है
वो ड्रग होगा जो आके रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच होंगे लेकिन उसकी स्टिमुलेशन नहीं करेंगे। उसका काम ये होगा कि इट विल प्रिवेंट एगोनिस्ट फ्रॉम बाइंडिंग विद द रिसेप्टर। अच्छा, नेक्स्ट इज रिमेंबर, दिस इज ऑलवेज रिमेंबर, एंटागोनिस्ट डोंट लीड टू द स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स बट जस्ट प्रिवेंट एगोनिस्ट फ्रॉम बाइंडिंग विद द रिसेप्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप इन योर माइंड डेट। एंटागोनिस्ट का काम यह होगा कि सिर्फ अटबाइंड होगा रिसेप्टर के साथ लेकिन उसकी स्टिमुलेशन नहीं करेगा, और जब ये रिसेप्टर पे ऑक्यूपाई होगा, रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा, तो एगोनिस्ट आगे उसके साथ उसके साथ अटैच नहीं हो सकेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में तो हमने पढ़ा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स, के फार्माकोलॉजी में हम के फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो डिफरेंट ब्रांचेज है, द फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। सो इन फार्माकोकाइनेटिक्स इज सिंपली डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, कि मतलब जब अगर हमने एक ड्रग लिया तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी, हमारे बॉडी उस ड्रग पे क्या असर होगा। तो योर नेक्स्ट डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसा कि मैंने बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स में व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, तो इसमें चार चीज़ें आती हैं कि व्हेन वी एडमिनिस्टर अ ड्रग, सिंपली मैंने एक ड्रग, फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव फॉर एग्जांपल, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, वो मैंने लिया, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, वो ड्रग जो है वो बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा ताकि वो अपने रिसेप्टर्स या अपने ऑर्गन्स के पास पहुंचने के लिए उसकी एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, उसके बाद अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। अगर एक ड्रग मैंने लिया तो बॉडी में किस मैकेनिज्म के थ्रू किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बायोट्रांसफॉर्मेशन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इधर आप लोग अपने माइंड में रखें कि बायोट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कि जितने भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो पहले इनएक्टिव होते हैं लेकिन जाके लिवर में वो, या जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, अगर एक ड्रग किसी ने एडमिनिस्टर किया तो फिर किडनीज और लिवर जो है उस टॉक्सिक मटेरियल्स को टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यूरिन में लॉस करते हैं बॉडी से। तो दिस इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, कि एक ड्रग हमने लिया उस ड्रग के साथ हमारा बॉडी क्या करेगा, कैसे उसको एब्जॉर्ब करेगा, कैसे बायो ट्रांसफॉर्मेट करेगा, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसे उसकी एक्सक्रीशन होगी। तो इसी ब्रांच को हम कहते हैं फार्मेको काइनेटिक्स। द नेक्स्ट इज फार्मेको डायनामिक्स। तो फार्मेको डायनामिक्स इज द डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, के ड्रग जो है उसका असर बॉडी पे क्या होगा। फार्माकोकाइनेटिक में तो सिंपली बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे कि ड्रग जो है वो बॉडी पे क्या करेगा, ठीक है। तो इट डील्स विद द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखिए, एक ड्रग एडमिनिस्टर हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, बायोट्रांसफॉर्मेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ड्रग जो है वो अपना असर करेगा, एक इफेक्ट करेगा। तो उस इफेक्ट की स्टडी को और किस मैकेनिज्म के थ्रू वो कर रहा है, उसी को हम कहते हैं फार्मेको डायनेमिक्स। द नेक्स्ट इज फार्मेको थेरेप्यूटिक्स। तो फार्मेको थेरेप्यूटिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो फार्मेको थेरेप्यूटिक्स में फार्माकोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि इस ड्रग को हम कौन से डिजीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी को कहते हैं फार्मेको थेरेप्यूटिक्स। द नेक्स्ट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि इफेक्ट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। एक को हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, जो हम चाहते हैं, जो हम इफेक्ट हम चाहते हैं पार्ट द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस, जिसको हम सिंपली यूजेस भी कह सकते हैं, थेरेप्यूटिक पर्पजेस भी कह सकते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स और एडवर्स, एडवर्स इफेक्ट्स और अनवांटेड इफेक्ट्स, ये वो इफेक्ट्स होते हैं जो हम नहीं चाहते, जिस पर्पस के लिए हम ड्रग नहीं लेते लेकिन वो हो जाते हैं। जैसा कि एनसेट्स में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि एनसेट्स हम यूज़ करते हैं फॉर एज एंटी पायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन किलर, लेकिन उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है तो वो गैस्ट्राइटिस कर देता है। अब ये जो गैस्ट्राइटिस या किडनी के डिसऑर्डर्स कर लेता है, तो ये अनवांटेड, ये हम नहीं चाहते लेकिन वो ड्रग की वजह से हो जाता है। तो ऐसे अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट। तो ये जितने भी टॉक्सिक और एडवर्स इफेक्ट्स है, इसको हम स्टडी करते हैं इन द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डेट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा, द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स यूज बाई ह्यूमन बींग्स। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। नेक्स्ट ब्रांच दैट इज फार्मेसी। सो फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी में यह डिफरेंस है कि फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फार्मेसी इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्मेसी जो है ये फार्माकोलॉजी का एक सब ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट प्रिपरेशन, कंपोजिशन, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये वो ब्रांच है जिसमें एक ड्रग की प्रिपरेशन से लेके उसकी कंपोजिशन से लेके यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स, के किस पर्पस के लिए यह ड्रग यूज़ होगा, कितना डोज होगा इसका, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, इसका फार्मूला क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होगी, ये सारे जितने भी है इसको हम स्टडी करते हैं इन फार्मेसी। ये फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी में ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट इज फार्माकोपिया। व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोपिया अ बुक डेट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड इन मेडिसिन विद डिस्क्रिप्शंस, केमिकल टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग देयर आइडेंटिटी एंड प्योरिटी एंड फार्मूलाज ऑफ दीज ड्रग्स। तो फार्माकोपिया जो है ये सिंपली उसी बुक को हम कहते हैं, उसी बुक का नाम है जिसमें प्रोडक्ट्स के, ड्रग्स के एक लिस्ट होता है, और उसी लिस्ट में उसका जो डिटेल होता है अबाउट डिस्क्रिप्शंस, उसकी जो डिस्क्रिप्शन जितने भी होती हैं या जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं, उन ड्रग्स की आइडेंटिटी को, उनकी पहचान को पहचानने के लिए, या उसकी प्योरिटी
को चेक करने के लिए जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं वो भी उन्हीं बुक में एनलिस्ट किया हुआ होता है, एंड फार्मूलाज ऑफ दी ड्रग, और जितने भी ड्रग्स उस बुक में दिए होते तो उसके फार्मूलाज भी उसी ड्रग्स में लिखे होते। तो ऐसे बुक को हम कहते हैं फार्माकोपिया। ठीक है, तो इट्स अ बुक इन विच लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, उनकी कंपोजिशन, उनकी डिस्क्रिप्शंस, केमिकल टेस्ट जितने भी होते हैं फॉर डिटर्मिनिंग देयर आइडेंटिटी एंड प्योरिटी एंड फार्मूलाज ऑफ दीज ड्रग्स। तो कॉमनली दो किस्म के फार्माकोपिया, एक को हम कहते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड दूसरा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है डेट इज़ कॉमनली यूज इन पाकिस्तान। आप लोग जाओ उठा के किसी भी एक टेबलेट को, एक सिरप को ले उठा के देख लें तो उस पर लिखा होगा BP। BP मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, या बस ड्रग्स पे लिखे USP, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें। सो डेट्स द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, के फार्माकोलॉजी क्या है। तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस टूडेज लेक्चर समराइजिंग। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोलॉजी को डिफाइन किया, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट वॉज ड्रग। तो ड्रग इज सिंपली अ केमिकल सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर ड्रग्स टू टाइप्स के होते हैं, एक बॉडी में नेचुरल होते हैं, दूसरा हम बाहर से लेते हैं। जो बाहर से लेते हैं उसको हम कहते हैं ज़ीनोबायोटिक्स। उसके बाद फिर हमने पढ़ा रिसेप्टर को, रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर इज अ मॉलिक्यूल जो जिसके साथ ड्रग बाइंड होके बॉडी में एब्जॉर्व होगा, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। तो फिर जो एगोनिस्ट होते हैं, एक एंटागोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट वो ड्रग होता है जो रिसेप्टर के साथ अटैच होके उसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके उसकी एपेक्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट सिंपली बाइंड विद रिसेप्टर, कोई स्टिमुलेशन नहीं करता रिसेप्टर का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देता विद रिसेप्टर। फिर ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स के व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, के बॉडी जो है वो ड्रग को क्या करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाज फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में हम इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो इधर हम पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा था अबाउट क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में वी स्टडी अबाउट टॉक्सिक एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। फार्मेसी में हम पढ़ेंगे अबाउट कंपोजिशन, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग द ड्रग्स। फार्माकोपिया इज द बुक जिसमें एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, फॉर चेकिंग देयर प्योरिटी एंड फार्मूलाज ऑफ द ड्रग्स। पर दो किस्म के फार्माकोपिया है, वन इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड द अदर इज़ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो यूज़ होता है इन पाकिस्तान। सो देट वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। इसी लेक्चर को मेमोराइज करना है एंड मेक एन असाइनमेंट एंड सेंड डेट असाइनमेंट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, सो डेट आई विल मार्क दोज असाइनमेंट्स, और जो आपके नंबर होंगे उनका लिस्ट बना के मिड टर्म एग्ज़ाम का और आगे जितने भी उसमें यूज़ होगा तो इसी के बेस पे एक लिस्ट हम बनाएंगे। सो डू लेसन द लेक्चर केयरफुली एंड प्रिपेयर असाइनमेंट्स एंड क्विज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माई सेल नंबर थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।